हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं प्रमित कुमार, आपको स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं ये क्या पकड़ा है, देखिए ये चीज़ क्या है। एक चीज़ देखिए, ये है, इसको बोलते हैं एलईडी। ये एक स्ट्रिप एलईडी है, ठीक है, आपका घर का बिजली कम करने वाला। बताइए कैसे। आप घर में यूज़ करते हैं बहुत सारा लाइट, ठीक है, जो कि CFL होता है, इनकैंडेसेंट लैंप होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा आता है, जो कि हमारा मीटर का बिल बढ़ता है। इसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, आपका बिजली कैसे कम होगा और इसके थ्रू होगा। इसके थ्रू ये है लाइट है, ये देखिए एक टाइप का लाइट है। ये लाइट के बारे में बताऊंगा, जो कि इसको बोलते हैं LED, ठीक है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, समझेंगे ये कैसे यूज़ होता है और ये क्या चीज़ है LED, इसका मतलब क्या है। पहले टेक्निकल के बारे में थोड़ा बताऊंगा, बाद में इसका हर घर में जो यूज़ करते हैं लोगों को, नॉर्मल जो लोग टेक्निकल के बारे में मालूम है उनको भी समझ आ जाएगा, LED लगाए तो हमारा एनर्जी कैसे सेव होएगा, जो कि मीटर का कम बिल कम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, नए नए वीडियो जब आता रहेगा आपको पहले नोटिफिकेशन में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, देखिए LED, ठीक है, LED कुछ बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। क्या होता है लाइट एमिटिंग डायोड, जो देखिए कैसे दिखता है कलर। आजकल के ज़माने में तो ज़्यादातर ये लाइट का बहुत डिमांड है, ठीक है। ये होता है लाइट एमिटिंग डायोड। इसका डेफिनेशन क्या है, ये लाइट एमिटिंग डायोड इज ए सेमी कंडक्टर लाइट सोर्स दैट एमिट्स लाइट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, ओके। दैट्स कॉल्ड व्हाट इज दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस, क्या वो इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस इफेक्ट। ये मैं क्रॉस किया, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये है इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस इफेक्ट, ठीक है। ये एक सेमीकंडक्टर है, ये है इसका डेफिनेशन, ठीक है। इसका सिंबल देखेंगे कैसा है। इसका सिंबल में राइट के देखिए लिखा है, एक जैसे तीर के जैसे रहता है, ठीक है। यह है तीर का पीछे का साइड जो है, नीचे का निचला हिस्सा, यहाँ से आपको जो पावर देते हो वो सीधा पास करेगा और एक डंडा जैसा है, ये इसका सिंबल है, ठीक है। ये होता है क्या है, एक साइड में पीछे से हम लोग अगर करंट डीसी करंट देंगे तो इधर से क्या होता है, तीर जो दो तीर मार्क है इसमें ग्लो करने का वो सिंबल है। इसका फॉरवर्ड बायस है, मतलब जब पावर सप्लाई इसमें देंगे तो एक तरफ से निकलेगा, जब वो पावर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है उसका चार्ज जो है वो ब्लिंक होता है। ये रहते हैं देखिए नॉर्मल यूज होता है जो LED, ठीक है। LED में अक्सर देखेंगे तो दो लेग रहेगा, एक छोटा एक बड़ा, ईजी समझ में आएगा। उसका अंदर छोटा सा ब्लेड जैसे दिखता है ना, देखिए ये जो ब्लेड में पॉइंट का है, ब्लेड जैसे एक लॉन्ग लेग रहेगा, ठीक है। आप लॉन्ग लेग देख के आप सब लोग ये कर रहे होंगे, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये लॉन्ग लेग को बोलते हैं एनोड, देखिए मैं जो लिखा है एनोड, ठीक है। ये है एनोड, लॉन्ग लेग वाला वो है पॉजिटिव, ठीक है। और ये कैथोड जो है वो नेगेटिव का है, ठीक है। ये क्या होता है, शॉर्ट लेग का है, हमको इजी पहचान में आता है। बच्चे लोग खेलते हैं ना बैटरी में डालकर, ये सब नए नए प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऐसा है। हम इसमें कह सकते ना, ये बैटरी यूज़ होता है, बैटरी से हम लोग कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल में लगाएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को लगाएंगे, तब ये सोर्स सही रहता है, कनेक्शन प्रॉपर रहता है। हम लोग अगर उल्टा करेंगे LED नहीं चलेगा, ठीक है। या हम लोग DC करंट लगा, ये ओनली DC करंट में यूज होगा, ठीक है, ओनली DC करंट। इसमें बहुत सारा प्रिंसिपल रहता है, जैसे मैं आगे दिखाऊंगा उसका, ये LED चलने के लिए कैसे है, कैसा जो क्या ड्राइवर लगता है, क्योंकि ये DC का है ना। LED ऑलवेज वर्क्स विथ DC करंट, नॉट इन AC, ठीक है। अगर AC करंट चलेगा तो LED फूक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओनली इसका प्रिंसिपल है DC सप्लाई है, छोटा पावर है, मतलब 12 वोल्ट का आता है, 24 वोल्ट का आता है, ये सब यूज होता है, ठीक है।
बड़ा अप टू मैं तो देखा हूँ अप टू 150-200 वाट, उससे तक ज़्यादा तक है लाइट, क्योंकि लाइट का डिमांड है आजकल है। जो हालोजन के जगह में, बड़े बड़े लाइट की जगह में ये लगाते हैं, ये देखिए अल्टरनेटिव में नहीं चलता है, डीसी में चलता है। ठीक है, ये जानिए, ये है इजी चीज़, मालूम पड़ने वाला चीज़ है ये, टेक्निकल नॉलेज के लिए लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो है। कंटिन्यूसली आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, और भी आगे है आपको कैसे कैसे लाइट लेना है। ठीक है, ये एनर्जी सेविंग के जो होता है ना, हम लोग एनर्जी सेविंग करते हैं, हमारा जो पावर ज़्यादा बढ़ता है उसके लिए बहुत अच्छा चीज़ है, एलईडी लाइट घर में लगाएं। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ, एक मेरे पास कुछ लाइट्स हैं वो दिखाता हूँ। देखिए ये है, एलईडी टेस्टिंग करेंगे, ये दो एलईडी है जो स्पॉट लाइट कहते हैं, ये कुछ शायद 7 वाट का रहेगा, एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका कहाँ गया, इसका नेम प्लेट, थोड़ा लाइट डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका नेम प्लेट है, ये करीबन 7 वाट रहेगा मेरे ख्याल से, 7 वाट नहीं तो 3 वाट, ज़्यादा वाटेज नहीं रहता है ये, वो एलईडी बहुत कम वाट में अच्छा ब्राइटनेस रहता है। आपको घर में अगर ये लगाओगे, क्या बोले, CFL नहीं तो इनकैंडिसेंट लैम्प जो यूज़ करते हैं ना, उसमें 100 वाट में भी अच्छा क्लियरिटी नहीं आता है, ब्राइटनेस नहीं आता। ये देखिए, ये जो मैं दिखा रहा है ये है ड्राइवर, आप 230 वोल्ट देंगे, देखिए 240 वोल्ट देंगे तो ये कन्वर्शन करके 24 वोल्ट में, नहीं तो 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट का है, ये देखिए ये 230 को मैं कनेक्शन कर देगा, इसमें कनेक्शन किया तो ये ड्राइवर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके ये देगा एलईडी को चलने के लिए। ठीक है, ये जो देखते हैं ना एलईडी का पीछे जो धार धार आइटम जो लगा है प्लेट, वो याद रखे, एलईडी जब ये डायोड है ना, जब करंट पास करता रहता है, डीसी पावर हीट जनरेट करता है। ठीक है, सो उसके लिए वो हीट ठंडा रहे ये यूज़ किया था प्लेट। ठीक है, ये देखिए कनेक्शन कैसा है इसका, लाइट देखिए ये एक 5 5 वाट का है। ठीक है, ये बहुत छोटा लाइट है, देखिए ये बहुत ब्राइटनेस करेगा, इसकी टेस्टिंग करते हैं, देखिए देखिए अच्छा ग्लो करता है ना। देखिए ये सब घर में लगाए तो और डिफरेंट डिजाइन आता है, अब घर में लगाएं तो अच्छा दिखेगा। मैं ये वीडियो के लास्ट में को एक एक दो तीन टाइप का लाइट फोटो रखूँगा कि आपको देख सकें, खरीद सकें। ये देखिए ये घर में, दुकान में, हर जगह में यूज होता है एनर्जी सेविंग के लिए। ठीक है, अगर आपको दिन में अगर 100 वाट का अगर लाइट चलाएंगे, कितना मीटर बढ़ेगा ये, अगर 3 वाट का लाइट अगर दिन भर जलाएंगे तो उसका कुछ होगा ही नहीं, उससे बेहतर तो ये एलईडी है। सो ये आपको एनर्जी सेविंग हो गया ना, ये देखिए एक टाइप का एलईडी है। ठीक है, ये टाइप का एलईडी है, ये देखिए कैसा है, इसका ऑलरेडी मीटर करके कनेक्शन करके दिखाऊंगा, अच्छा लगेगा ये वीडियो। ठीक है, ये देखिए ये कितना वोल्टेज का है, ये कोई करीबन 7 वाट का है, देखिए लाइट कैसे ग्लो करता है, अच्छा बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। घर में एलईडी लाइट लगाएं और आपका जो मीटर का जो रेटिंग जो आता है, जो कम से कम अगर 200 कम आएगा तो भी जो यूनिट से आपको बहुत बेहतर है ना। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें।